सब जानते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि जो वोटर आईडी कार्ड है इस टाइम पे आपको पता है, वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो कैसे कर सकता हूं देख सकें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप नए वोटर हैं या आप अपने फैमिली में किसी के लिए आप वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या करना है। सबसे पहले आपको NVSP के जो वेबसाइट है उस पे फॉर्म भरेंगे, ठीक है। अब कौन सा फॉर्म होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो। भी आईडी से आप लॉगिन कर रहे हैं, आप सिर्फ उसी पर्सन के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर दूसरे किसी पर्सन के लिए आपने अप्लाई करना है वोटर आईडी कार्ड, उस पर्सन के लिए एक नया लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा सेपरेट। आप देख सकते हैं आप प्रॉपर आप उसी को मान लीजिए कि आपकी सेपरेट फॉर्म होता है वो उनके लिए होता है फॉर्म 6 कौन सा, जहां पे हम अपने लिए आईडी क्रिएट कर लिस्ट में आया है कि नहीं आया, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं।